तो आज यहां पे मैं गिटार्स नहीं, गिटार के बैग्स का रिव्यू करूंगा। और यहां मेरे पास खाली ये नहीं, बहुत सारे बैग्स हैं और यहां पे मतलब स्पेस खत्म हो जाएगी लेकिन बैग्स खत्म नहीं होंगे। बहुत ही अमेजिंग अलग अलग तरीके के बैग्स हैं। और यहाँ बैग्स के अलावा एक और चीज मैं रिव्यू करूंगा और वो है गिटार के हार्ड केसेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक हार्ड केस है लेकिन अगेन यहाँ टेबल पे यार स्पेस नहीं है। मेरे पास और भी अमेजिंग केसेस है जिसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज यहाँ पे बात करेंगे ऑलिव केसेस एंड बैग्स की, जिन्होंने इतने अलग अलग डिजाइन अलग अलग वेराइटी निकाली है गिटार बैग्स की, गिटार केसेस की। और यहाँ मतलब गिटार तक लिमिट नहीं है इनकी, ये जो है बाकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के भी जो सॉफ्ट केसेस है और हार्ड केसेस है दोनों मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे ऑलिव की सबसे बढ़िया बात क्या है कि ऑलिव जो है यहाँ पे जितने भी जो गिग बैग्स है ना वो सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है और ए टू जेड सारी जो चीजें हैं वो इंडिया में ही सोर्स की जाती है। और करंटली इनके जो हार्ड केसेस हैं वो अभी फिलहाल इंपोर्ट होते हैं। तो ऑलिव बैग्स की सबसे खास बात है कि अपनी इंटायर रेंज में ना पॉलीप्रोपिलीन फोम यूज करते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपी फोम। अब जो पीपी फोम है वो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, मतलब ओवरऑल जो स्टिफनेस होती है इस फोम की काफी बढ़िया रहती है एंड दिस इज इंपैक्ट रेजिस्टेंट। इसके अलावा ऑलिव अपने सारे बैग्स में प्रीमियम क्वालिटी के जिपर यूज करते हैं और सारे बैग्स में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मेटल स्लाइडर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑलिव के सारे बैग्स में आपको ये नीचे की तरफ स्पाइक वाली रबड़ देखने को मिल जाएगी। तो ऑलिव में आपको अकूस्टिक, इलेक्ट्रिक और बेस गिटार के बैग्स और केसेस तो देखने को मिलती है लेकिन इसके अलावा ऑलिव और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बैग्स और केसेस बनाता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ड्रम्स हो गया, गिटार मल्टीफिक्स प्रोसेसर हो गए, इसके अलावा वॉयलिन है। और ऑलिव ब्रांड की एक बड़ी सरप्राइजिंग और काफी अच्छी चीज मेरे को लगी कि ये अपने बैग्स पे और हार्ड केसेस पे 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं। बैग्स पे आपको वारंटी मिलती है फॉर एनी इश्यूज इन स्टिचिंग एंड जिपर। इसके अलावा केसेस पे आपको वारंटी मिलती है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। ऑलिव में आपको ये गिटार बैग्स और केसेस के अलावा कई एक्सेसरीज भी देखने को मिलती है। तो गिटार एक्सेसरीज में आपको मिल जाती है मेनली कैपो, स्ट्रैप, केबल, स्टैंड। इसके अलावा जो प्रोसेसर या पेडल की पावर अडाप्टर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ ड्रम्स में आपको ड्रम मैट्स देखने को मिलती हैं और ये जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आगे आपको जो है ऑलिव में और भी एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी। तो ऑलिव के बैग्स बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला सेगमेंट है एंट्री लेवल, सेकेंड सेगमेंट है प्रीमियम और थर्ड है प्रोफेशनल। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री लेवल बैग्स की बात करेंगे लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको क्विकली बताना चाहूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। यह ऑलिव की अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट है olivecases.com, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां जो है आप ये सारे बैग्स जो है चेक कर सकते हैं और अपनी जो नीड के हिसाब से है चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ऑलिव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अक्रॉस इंडिया 164 स्टोर्स पे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑलिव केसेस की वेबसाइट पे ही। तो आप जो है अपना नियर बाय स्टोर चेक कर सकते हैं ऑलिव केसेस की वेबसाइट पर। तो चलो यहाँ पे बात करें एंट्री लेवल बैग्स की। तो यहाँ मेरे पास ये फुल साइज अकूस्टिक गिटार के बैग्स है जिसमें आप 40-41 इंचेस के गिटार इजिली रख सकते हैं। अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक गिटार का बैग नहीं है लेकिन यहाँ पे मेरे पास एंट्री लेवल सेगमेंट में बेस गिटार का बैग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और बेस में बस लेंथ का फर्क होता है, बेस गिटार का बैग थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बैग से क्योंकि यहाँ से जो है ऑलिव की रेंज स्टार्ट होती है। दिस इज द ऑलिव OL10 और यहाँ पे आपको 12mm की पैडिंग देखने को मिलती है। तो ऑलिव में यही मेन आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक तो पैडिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कई बैग्स जो है वो आपको 12mm के मिलेंगे, बेसिकली जो एंट्री लेवल बैग्स है वो 12mm के होते हैं और इनसे जो क्वालिटी में थोड़े से ऊपर बैग होंगे जैसे कि ये वाला है ये 15mm पैडिंग का है। और यहाँ पे जैसे जो ये साइड में हैंडल होता है उसमें अच्छी कुशनिंग है और यहाँ पे बैकपैक स्लीव्स आपको थ्रू आउट ऑलिव के बैग्स में देखने को मिलेगी, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ये बैग जो है जैसे कि आपके पास भी 8-10 हज़ार का गिटार है, कोई एक अच्छी क्वालिटी का गिटार है या इवन 12-15 हज़ार का कोई गिटार है उसके लिए है। इसमें आप इजीली ड्रेडनॉट और आपका ग्रैंड ऑडिटोरियम वो इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वेलक्रो अटैचमेंट मिलती है जिसमें आप नेक को जो है प्लेस कर सकते हैं और जो है नेक मूव नहीं करेगा, एक तरीके से नेक सिक्योर हो जाता है और स्ट्रिंग से बैग खराब ना हो इसलिए यहाँ 2 जगह इन्होंने आउटर फैब्रिक लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी पॉकेट मिलती है आगे की तरफ जिसमें आप जो है अपनी एक्सेसरीज गिटार की और नोटबुक रख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये है OL20 जो कि इसका ही थोड़ा सा अपर मॉडल है, तो ये जो है इसमें आपको 15mm पैडिंग मिलती है लेकिन डिज़ाइन वाइज जैसे अंदर जो डिज़ाइन है वो सेम ही है, उसी तरीके का आपको जो है यूसेज देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपको एक अच्छी फ्रंट पॉकेट मिल रही है जिसमें आप एक्सेसरीज रख सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों बैग्स में मेन डिफरेंस एक तो
थिकनेस का है, ये 12 mm पैडिंग के साथ है, ये 15 mm पैडिंग के साथ है। इसके अलावा जो आउटर फैब्रिक है इसमें 300D है, इसमें 1000D है। और यहाँ पे प्राइस का इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसकी जो MRP है वो है अराउंड 2250 और इसकी MRP है अराउंड 2660। और इन दोनों बैग्स के अलावा अब बात करें बेस गिटार बैग की, तो यहाँ पे है ये ओलिव का OLBGT, तो इसमें भी आपको जो है 12 mm की पैडिंग मिलती है और यहाँ पे भी आपको वही सेम क्वालिटी मिल रही है। और यहाँ पे कंफर्टेबली आप इसमें जो है 4 और 5 स्ट्रिंग बेस रख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 2300। और यहाँ पे अब बात करें ये दो ट्रैवल फ्रेंडली गिटार्स के बैग्स के बारे में, तो ये दोनों जो है 36 इंच गिटार्स के लिए बने हैं। तो यहाँ इन दोनों बैग्स की जो क्वालिटी है वो सेम है, दोनों में ही आपको 15 mm की पैडिंग मिलती है। बस मेन डिफरेंस है कि इस वाले बैग में आपको कॉटन ब्लेंड फैब्रिक देखने को मिलता है और इस वाले में आपको वही 1000D मैट फैब्रिक देखने को मिलता है। और यहाँ प्राइस की भी बात करें तो दोनों का प्राइस रफली अराउंड 2100 रुपीज़ है। अब चलो बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट की, तो यहाँ सबसे पहले अकूस्टिक गिटार के बैग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मेरे पास है ओलिव का P300 और ये है ओलिव का P100। दोनों का आप डिज़ाइन देखोगे तो थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ आपको जो है डबल पॉकेट्स मिल रही हैं, बेसिकली यहाँ नीचे भी आपको एक काफ़ी अच्छी पॉकेट मिलती है वही नोटबुक और एक्सेसरीज के लिए, और यहाँ ऊपर की तरफ भी दोनों बैग्स में आपको पॉकेट मिल रही है। यहाँ पैडिंग की बात करें तो दोनों में ही आपको 15 mm की पैडिंग मिलती है, विच इज़ रियली गुड। मतलब ये बैग्स जो है अपने आप में काफ़ी स्टर्डी हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। और यहाँ फैब्रिक की बात करें तो यहाँ फैब्रिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ इन बैग्स में आपको मिलता है बैलिस्टिक नायलॉन फैब्रिक विच इज़ रियली गुड। और एक बार बेस भी देख लें इन बैग्स का, तो जो P300 है उसके नीचे आपको भी काफ़ी बड़ी रबड़ देखने को मिलती है, तो इससे ओवरऑल जो गिटार है काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगा अगर आपने गलती से जोर के रख दिया। और यहाँ पे आपको वही रेगुलर मिलती है P100 में, जो आपको एंट्री लेवल बैग्स में देखने को मिलती है, उसी तरीके की यहाँ पे ये जो है रबड़ देखने को मिलती है बेस में। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इसमें भी गिटार अच्छा प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि जो फोम है वो 15 mm की लगी हुई है। और P300 के साइड में आपको एक बॉटल होल्डर भी मिलता है। और इन दोनों ही बैग्स में जैसे मैंने आपको बताया 40 और 41 इंचेस जैसे गिटार आप रख सकते हैं, और दोनों में ही आपको नेक सपोर्ट भी मिलता है वेलक्रो वाला। अब बात करें प्राइस की, तो ये जो ओलिव का P100 है ये है अराउंड 2900 रुपीज़ का, और ये जो P300 है ये है अराउंड 3200 रुपीज़ का। अब यहाँ पे बात करें प्रीमियम सेगमेंट के इलेक्ट्रिक गिटार बैग्स की, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ मेरे पास ये तीन बैग्स हैं, ये है OLEGT, ये है OLEGT P और ये है OLEGT R। तो यहाँ पे आप देख रहे हो EGT मॉडल तीनों में सेम है। यहाँ मेन जो डिफरेंस है वो है थोड़ा सा डिज़ाइन का और फैब्रिक का। तीनों ही बैग्स में आपको 15 mm की पैडिंग मिलती है। तो यहाँ पे जो OLEGT और ये जो OLEGT P है इसमें जो आउटर फैब्रिक है वो सेम है, दोनों में आपको कॉटन ब्लेंड फैब्रिक देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा आपको वीगन लेदर देखने को मिलता है एज अ डिज़ाइन, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो पॉकेट्स थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपको भाई एक बड़ा कंपार्टमेंट मिल रहा है, इसके अलावा दो छोटे कंपार्टमेंट मिल रहे हैं एक्सेसरीज के लिए। मतलब इस तरीके के डिज़ाइन इलेक्ट्रिक गिटार के बैग में मैंने तो पहली बार देखा है जहाँ आपको इतनी यूटिलिटी मिल रही है। और यहाँ पे आपको एक वही प्लेन एक्सेसरी कंपार्टमेंट मिल रहा है जिसमें आप अपनी नोटबुक या एक्सेसरीज रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ जो है ये बैग थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो ये OLEGT R है, तो ये जो है पूरा आप देख सकते हो एक वो लेदराइट वाली फीलिंग है। ये जो है बेसिकली वीगन लेदर से बना है। इस बैग के फ्रंट एंड साइड में तो आपको वीगन लेदर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको बैलिस्टिक नायलॉन फैब्रिक देखने को मिलता है। और यहाँ पे तीनों बैग्स के नीचे आपको इस तरीके की रबर पैडिंग मिल जाएगी, विच इज अगेन वेरी यूजफुल अगर आप गलती से गिटार जोर की रख दो। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले ये OLEGT के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जो है एक बहुत अच्छा वेलवेट वाला जो है मटेरियल देखने को मिलता है अंदर की तरफ। और यहाँ इन तीनों बैग्स में आपको जो है यहाँ एक नेक पिलो मिलता है विच इज़ रियली यूजफुल। और यहाँ पे चलो ये तो OLEGT था, लेकिन एक बार ये वाला बैग दिखाता हूँ, ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। तो जैसे इसके अंदर की तरफ आपने देखा वेलवेट वाला मटेरियल लगा हुआ है, इसमें भी वैसे ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा और फैंसी है। तो यहाँ इस बैग में आपको जो है वही वेलवेट वाला मटेरियल मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बेस में इन्होंने जो है कुछ पैडिंग दे रखी है विच इज़ डिटैचेबल, मतलब यहाँ पे वेलक्रो के थ्रू इन्होंने लगा रखा है। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऐड करता है बेस में। तो जैसे अगर आपके पास कोई हेवी इलेक्ट्रिक गिटार है उसके लिए ये OLEGT P बैग बहुत ही बढ़िया रहेगा।
क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक गिटार का वेट पड़ता है तो यहाँ जो बैग है वो इजीली जो है उसको मैनेज कर सकता है। और यहाँ पे अब चलो ये वाला भी देखते हैं, OLEGTR, तो इसमें भी आपको जो है वैसे ही फैब्रिक मिल रहा है जैसा कि OLEGT में मिल रहा था, वही वेलवेट वाला। ये जो वीगन लेदर वाला बैग है इसकी अपनी एक वाइब है, और पर्सनली इन तीनों में जो मेरा फेवरेट है वो है ये OLEGTP। इन तीनों बैग्स में आप कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक गिटार रख सकते हैं, और इन कवर्स का जो अंदर का फैब्रिक है वो काफी अच्छा और स्मूथ है, जिससे कि आपकी गिटार की फिनिश पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बात करें प्राइस की, जो OLEGT है दिस इज अराउंड 3300, जो OLEGTP है दिस इज अराउंड 3800, और ये जो OLEGTR है दिस इज अराउंड 4300 रुपीज। अब बात करें प्रो सेगमेंट की, तो यहाँ अकूस्टिक गिटार के लिए करेंटली यही एक बैग है अभी ऑलिव में, और ये है ऑलिव का OLR 600, और इसमें आपको वही वीगन लेदर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें आपको डबल पॉकेट मिलती है नोटबुक और एक्सेसरीज के लिए, और पीछे की तरफ इन्होंने जो है बैलिस्टिक नायलॉन यूज किया है, तो ये वाला हिस्सा आपकी बैग के कॉन्टैक्ट में आता है और भाई स्वेट होता है कुछ होता है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये बैलिस्टिक नायलॉन मटेरियल यूज किया है। इस बैग में आपको 15mm की पैडिंग तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा इस बैग में आपको एक हाई क्वालिटी फाइबर शीट मिलती है विच प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ इस बैग में आपको जो है अंदर एक नेक पिलो मिलता है, और अच्छा थिक नेक पिलो मिलता है अकूस्टिक गिटार के लिए, और इस बैग के अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वेलवेट फैब्रिक आपको देखने को मिलता है। तो दिस बैग इज बेसिकली मेंट फॉर प्रीमियम एंड हाई क्वालिटी अकूस्टिक गिटार्स। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे रबड़ पैड्स लगाए हुए हैं, तो ये मेरे को बड़ी सही चीज़ लगी, मतलब प्रो लेवल के हिसाब से एकदम जस्टिफाई किया गया इस बैग को। और इस बैग में भी आप कोई भी एक स्टैंडर्ड ड्रेडनॉट या ग्रैंड ऑडिटोरियम जैसा गिटार रख सकते हैं। और यहाँ प्राइस की बात करें तो ये वाला बैग जो है अराउंड 4700-4800 रुपीस का है करेंटली। और यहाँ आप बात करें प्रो सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गिटार बैग्स की, तो ऑलिव में करेंटली आपको ये दो बैग्स मिलते हैं, दीज आर OLGT प्रो, और यहाँ पे दोनों बैग्स जो है ना डेडिकेटेड हैं एक पर्टिकुलर शेप के लिए। तो जैसे ये जो बैग है दिस इज OLGT प्रो स्ट्रैट, इसमें आप जो है स्ट्रैट या सुपर स्ट्रैट जैसा इलेक्ट्रिक गिटार रख सकते हैं, और ये है OLGT प्रो LP means Les Paul, तो Les Paul design electric guitar आप इस बैग में रख सकते हैं। Les Paul के अलावा इस बैग को आप PRS style जैसे guitars के लिए भी use कर सकते हो। इसके अलावा आपको Pro series में double electric guitar bag भी मिलता है। अब यहाँ पे बात करें एक बार basic specs की, तो ये जो bags हैं इनमें जो fabric है वो है bonded double layer fabric, और यहाँ again आपको 15mm padding मिलती है इसमें, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ चीजें और interesting है। एक तो अंदर जो है आपको वही premium velvet material मिलता है विद अ नाइस फाइबर शीट, जो कि अगेन आपको दिखेगी नहीं, स्टिच्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो नेक पिलो है जो कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और आपने देखा भी इलेक्ट्रिक गिटार के बैग में नेक पिलो था, लेकिन यहाँ पे आपको और थोड़ा सा थिक नेक पिलो मिलता है। इसके अलावा यहाँ बेस में भी आपको जो है काफ़ी थिक फोम देखने को मिलती है, और अगेन दिस इज डिटैचेबल, यहाँ इन्होंने वेलक्रो से इसको लगा रखा है, और जैसे जो प्रीमियम सेगमेंट वाले बैग थे उससे डेफिनेटली ये जो है एक अपग्रेड है। ये बैग जो है दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव गिटार्स। प्राइस की बात करें तो ये बैग जो है ये है अराउंड 6500 रुपीस के, और इसके अलावा जो डबल गिटार बैग है वो है अराउंड 7000 रुपीस का। अब यहाँ पे चलो बात करें हार्ड केसेस की, तो मेनली आपको एक तो वुडन केसेस देखने को मिलेंगे और ये ABS केसेस देखने को मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अकूस्टिक गिटार केसेस के बारे में, तो यहाँ आपको मल्टी प्लाईवुड वाले अकूस्टिक गिटार केसेस देखने को मिलते हैं, और ये केसेस बेसिकली जो है आपके हाई एंड अकूस्टिक गिटार्स के लिए, इनमें जो है आप अपने गिटार्स को आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप जैसे लोकली ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें अपने जो भी एक्सपेंसिव गिटार है इसमें आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और ऑलिव में या अकूस्टिक गिटार के केसेस में आप देख सकते हो दो वेरिएंट मिलते हैं, तो यहाँ जैसे ये जो है इसमें आपको एक वो क्रोकोडाइल स्किन वाला टेक्सचर मिलता है, और दोनों में ही आपको जो है प्योर लेदर नहीं वो रेक्सिन या लेदराइट मटेरियल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये क्रोकोडाइल टेक्सचर वाला केस बहुत बढ़िया लगा मेरे को। इसके अलावा ये अपना रेगुलर जो लेदर वाला टेक्सचर होता है वो आपको देखने को मिलता है। इन केसेस में आपको एक ब्लैक प्लस इंटीरियर देखने को मिल जाता है, और यहाँ इन केसेस में आपको एक डेडिकेटेड एक्सेसरी कंपार्टमेंट भी मिलता है।
और इन गिटार के केसेस में आप ड्रेडनॉट एज वेल एज ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप के गिटार रख सकते हो। प्राइस की बात करें तो करंटली ये जो केसेस है ये आपको रफली मिल जाते हैं अराउंड 8500 रुपीस के। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल आपको अच्छी लुक तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी वाइज भी ये केसेस जो है काफी प्रीमियम है और प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। अब यहाँ पे बात करें ABS केसेस की तो यहाँ ऑलिव में मेरे पास एक तो ये क्लासिकल गिटार का केस है, इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिक गिटार का केस है। इस केस में आप स्ट्रैट, सुपर स्ट्रैट, टेली शेप का गिटार और इवन PRS शेप का गिटार रख सकते हैं। ये केस जो है लेस पॉल गिटार्स के लिए नहीं है और यहाँ लेस पॉल का भी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक गिटार केस आता है। और इसके अलावा मेरे पास बेस गिटार का केस है, इस केस में आप इजीली 4 स्ट्रिंग बेस और 5 स्ट्रिंग बेस रख सकते हैं। अब प्राइस की बात करें तो करंटली ऑलिव के ABS केसेस आपको मिल जाएंगे अराउंड 9 to 10,000 रुपीस के प्राइस रेंज में। तो आज मेरे को तो बहुत मजा आया ये अलग अलग बैग्स को रिव्यू करने में और यहाँ पे इवन जो हार्ड केसेस है वो भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे। और यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है डेफिनेटली बहुत वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे जो भी इन्होंने मटेरियल यूज किया है, जिपर यूज किए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के है और मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में थ्रू आउट द रेंज, चाहे आप एंट्री लेवल बैग्स देख लो या प्रो लेवल बैग्स देख लो। तो मेरे को ये बैग्स तो बहुत अच्छे लगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये बैग्स कैसे लगे। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।